क्लास ट्वेल्थ एक्साइज वन पॉइंट ट्वेंटी नाइन आ होलो चार्ज कंडक्टर हैज़ अ टाइनी होल कट इन टू आ सरफेस शो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन टू एपसेलाट इन टू एन कैप वेयर एन कैप इज यूनिट वैक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उसने हमें पहले कंडीशन में क्या कहा गया है कि हमें एक चार्ज होलो कंडक्टर लेना है ठीक है तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट यहां पे मैं एक स्फीयर ले लेता हूं जो कि ये चार्ज सो हम कह देते हैं कि लेट इस पे क्यों चार्ज है होल क्वेश्चन में हमें कहा था कि आप कोई भी होलो चार्ज कंडक्टर ले सकते हैं तो हमने यहां पर स्फीयर चूज कर लिया क्योंकि ये काफी ईजी जोमेट्री है एज अ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फेयर से हमने एक टाइनी होल कट करना है सो मान लीजिए यहां से मैंने थोड़ी सी सर्सेस कट करके यहाँ पे रख ली आपको समझाने के लिए ये मेरा कटेड पोर्शन आ जाएगा लाइक दैट सो उसने फाइंड करने को कहा गया है कि इस होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है है ना लेफ्ट से ऐसे ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं हमें इस होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें शो करनी है सिग्मा अपॉन टू एपसेला नॉट इन टू एन कैप वैक्टर के इक्वल आनी चाहिए ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमें गिवन है तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो जो होल कट किया है मैं इसको दोबारा प्लन्ज इन कर रहा हूँ मतलब दोबारा अपनी जो मेरी स्फीयर है उसमें अगर मैं दोबारा प्लेस कर रहा हूँ लाइक डैट है ना ये मेरा होल थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए अगर इसे मैं दोबारा अंदर रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है सो so, मान लीजिए अगर इसको दोबारा हम प्लग इन करते हैं तो जो मेरे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या हो जाएगी ज़ीरो क्योंकि हमें पता है इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जीरो तो हमारी ये कंडीशन होगी तो एक कंडीशन और है अगर मैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लूँ ठीक है आउटसाइड द चार्ज मेटेलिक्स स्फीयर तो लेट है ना इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ फीयर सो लेट दिस पॉइंट विल बी पी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँ सो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है फ्रॉम स्फीयर तो यूनिट वैक्टर मतलब जो डायरेक्शनल वेक्टर है एंड कैप वो भी आउटवर्ड रेडियली ही बाहर की तरफ होगा सो so, अब अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है हम उसको नाम दे लेते हैं ई e डैश से क्योंकि ई e हमने कह दिया था कि होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है सो so, अब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ई डैश की एट अ पॉइंट पी आउटसाइड आ मेटेलिक होलोस्फीयर की स्टार्ट so, करते हैं हमें मालूम है ई e डैश फॉर्मूला कैसे गिवन होगा इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई नॉट इन टू टोटल चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो क्यों अपॉन डिस्टेंस का स्केयर सो यह मेरे पास आ जाएगा आर स्केर सो तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं अगर मैं क्यू अपॉन फोर पाई इन टू आर स्केयर इसे एक साथ ले आऊँ एक टर्म में और मेरे पास क्या टर्म बच गई एफसेला नोट और वन बाई एफ्स एनोट को साइड में लिख लूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो इससे मेरी इक्वेशन तो कोई चेंज नहीं हो रही बट मुझे ये वैल्यू मालूम है कि जो मेरी ये टर्म है ये किसके इक्वल होती है ये मेरी इक्वल होती है सिग्मा के मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया

ई डैश वैक्टर यहाँ तक हमने मैग्नीट्यूड निकाला था सो so, वैक्टर में हमारा जो यूनिट वैक्टर है वो भी अलॉन्ग इस डायरेक्शन है सो इज इक्वल टू सिग्मा इन टू नॉट इन टू एन कैप ये मेरे मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी अब ये मेरी ई डैश वैक्टर की वैल्यू होगी तो लेट इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं वन इक्वेशन नंबर वन ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर वन अब हम इस सिनेरियो को अच्छी तरह समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे ही मैंने जो कट पीस था उसे दोबारा लगाया ठीक है आपको समझाने के लिए जैसे ये मेरे पास फिर थी इससे मैंने एक पीस कट कर लिया लाइक डैट है ना ये थोड़ा सा होल इसमें बड़ा है पर क्वेश्चन में क्या गया टाइनी होल तो आपको समझाने के लिए सिर्फ कि इसे मैंने होल को कट कर लिया तो अब मेरे पास ऐसी ज्योमेट्री आ जाएगी जब मैंने होल कट कर लिया तो इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई जब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो अब ये मेरी क्लोज बॉडी बन गई ठीक है तो मुझे मालूम है इनसाइड अ क्लोज बॉडी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है और आउटसाइड पे हमने निकाल ली ई e डैश की वैल्यू तो इसका क्या मतलब होगा जब ये क्लोज होगा तो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए मतलब इनसाइड ज़ीरो तो बाहर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए सो so, अब जैसे ही हमने इसको क्लोज़ किया था तो अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या हुआ तो जो होल में इलेक्ट्रिक फील्ड थी ठीक है ई e. जैसे ही हमने इसको क्लोज किया था लाइक है ना आपको समझाने के लिए कि इसे दोबारा प्लग इन किया दोबारा अंदर रख लिया तो ये ई e अब कितना बन जाएगा जीरो ठीक है तो ये मेरा ई e था वो बन जाएगा जीरो इन साइड होल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये जीरो कैसे बनेगा अगर होल के कारण इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिले इन दोनों को प्लस करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या हो जाएगी जीरो तो इस कंडीशन को अब हम यूज करेंगे तो लाइक like, जैसे अब इसके बाहर जैसे हमने भी निकाला था कि ई e डैश की वैल्यू मेरे पास आ रही थी सिग्मा अपॉन नॉट एन मैंने कहा कि जैसे ही मैंने इस, इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जैसे ही मैंने इसे प्लग इन किया लगाया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सो so, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी अगर जो इस कट पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी सेम मैग्नीट्यूड की इस ई e मैग्नीट्यूड की सो so, यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया तो आउटसाइड तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आ बट कंडक्टर होगी होगी तो हम यहाँ पे इसे अब कंबाइन कर लेते हैं तो लेट हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई हैं अब यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर ये बंद होगा तो हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन मिल रही हैं क्लियर कि जब मेरा स्फीयर क्लोज वन होगा तो इन मुझे ये कंडीशन मिलेगी कि ई प्लस ई लाइक ई प्लस ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ई डैश तो ये मुझे कंडीशन मिलके रहेगी सो so, इसे हम यूज़ कर लेते हैं लाइक like, अब ई प्लस ई कितना हो गया मेरे पास टू ई इज इक्वल टू अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ई डैश हमने अभी निकाली थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन एन्ट कैप तो हमें फाइंड क्या करनी है कि इन साइड द होल हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब सिंपल ई फाइंड करनी थी जो हमने पहले ही स्टेट कर दी थी सो ई कम्स आउट टू बी सिग्मा सो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई भी था दूसरी तरफ से एक डिवाइड में हो जाएगा सो टू एप्सलानॉट इन टू एन कैप तो हैंस्ट हमने ये प्रूफ कर दिया और आप कह सकते हैं कि हमने ये शो कर दिया थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो